Astroyogi, India's number one live astrology app. नमस्कार, मैं राजदीप पंडित, आप देख रहे हैं एस्ट्रोयोगी चैनल हिंदी। इस बार हम बात करेंगे अप्रैल महीने में आने वाली 12 राशियों के बारे में और यह जानेंगे कि यह महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। राशि स्वामी गुरु अपनी नीच राशि में संचार कर रहे हैं, परंतु शनि की उपस्थिति नीच राजभंग योग का निर्माण कर रही है। राशि जातक इस महीने शुरू में कुछ आर्थिक परेशानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। केतु का संचार आपको धर्म की ओर मोड़ सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ मजेदार अवसर इस महीने आपको प्राप्त होंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा। शनि की साढ़े साथी किसी लंबे व्यावसायिक कार्य में आपकी मौजूदगी कराएगी, शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। जातक महीने के आरंभ में आर्थिक परेशानी उठा सकते हैं, अचानक से नए रास्ते खुल सकते हैं। महीने के अंत में आय के साधन बढ़ेंगे, कर्ज लेना नुकसानदायक हो सकता है, कर्ज लेने से बचें। महीना सामान्य रहेगा, शेयर बाजार तथा म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच समझ कर ही पैसा लगाएं। बात करते हैं शिक्षा संबंधित। जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, होटल तथा चमक दमक वाले शिक्षा क्षेत्र में जातकों का रुझान बढ़ेगा। परीक्षा दे रहे लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो जातक वकालत क्षेत्र में जाना चाहते हैं समय अच्छा है, आप आगे बढ़ें। परिवार में आपका दबदबा बढ़ेगा, परिवार के लोग आपकी बात मानेंगे। विवाहित लोगों के लिए यह खास महीना है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, परिवार में जमीन वाहन आदि का आगमन करने का योग है। प्रेमी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी बातों में विवाद करने से आपको बचना चाहिए, प्रेम विवाह का योग बनता है। पुराने समय से अटके विवाह प्रस्ताव इस महीने पूर्ण होंगे, वाणी पर संयम रखें, परिवार का साथ आपको मिलेगा। नौकरी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, करियर में आपको तरक्की मिलेगी, धन का आगमन रहेगा, कार्य क्षेत्र पर महिला सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार होते हुए देखेंगे, घर के नज़दीक का तबादला हो सकता है, कार्य क्षेत्र पर कोई झगड़े की संभावना रहेगी, कार्य क्षेत्र पर अधिक समय बीतेगा, किसी परिचित व्यक्ति की सहायता से नौकरी आरंभ कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग तथा अपना कार्य कर रहे लोगों के लिए महीना संभल कर चलने वाला है, व्यापार में सावधानी बरतने का समय है। मेडिकल तथा दवा लाइन से जुड़े व्यापारी अपना विशेष ध्यान रखें, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, लंबी यात्राएं हो सकती हैं तो उसे टालने का प्रयास करें। किसी मित्र से विवाद हो सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, महीने के अंत में स्थिति में सुधार रहेगा, अपने आप को कार्यशील बनाए रखें। बात करते हैं अप्रैल महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल रामनवमी, 6 अप्रैल को महावीर जयंती, 7 अप्रैल को हनुमान जयंती, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 11 तारीख को बैसाखी का पर्व रहेगा, 25 तारीख को भगवान परशुराम का प्रगट उत्सव रहेगा तथा अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। हिंदू नववर्ष 2077 25 मार्च 2020 को आरंभ हुआ है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव विक्रमी संवत परमादी नाम से पुकारा जाएगा। इस वर्ष सिंह, कर्क, धनु तथा कुंभ राशि के जातक प्रभावशाली रहेंगे। इस संवत्सर के राजा बुध और मंत्री चंद्रमा रहेंगे। एस्ट्रोयोगी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। यह राशिफल सामान्य ज्योतिष गणना पर आधारित है। आप अपनी कुंडली के बारे में अधिक विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर तथा लिंक से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार।